नमस्कार दोस्तों, मेरा गार्डियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में गिलोई कैसे लगा सकते हैं। मात्र एक गिलोई की डंडी से आप उसको बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं और बहुत ही आसान है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस ध्यान रहे कि आप एक गिलोई की डंडी लें। गिलोई की डंडी जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली डंडी ना लें। मोटी डंडी में आसानी से उगाता है। अगर आपका बरसात का मौसम चल रहा है तो आप इसको बेफिक्र होके किसी भी मिट्टी में लगा दें, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि इसमें जो गांठ है वो होनी चाहिए। ये गांठ से ही जो है नया गिलोई का की पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं। आप इसको दो भागों में काट के भी लगा सकते हैं। जो दूसरा भाग है उसमें थोड़ी धीमी निकलेंगी, पर धीमे उसमें भी बहुत आसानी से निकल आएंगी। ये देखिए, मैंने अपने घर में गिलोई का पौधा लगाया है। ये देखिए, गांठ के जस्ट नीचे से, मतलब तुरंत नीचे, थोड़ा सा नीचे से ही गिलोई की बहुत सारी पत्तियाँ निकल आई हैं। और इसमें से मैंने दो तीन पत्तियाँ तोड़ भी रखी हैं। आप काढ़ा, जैसे मैंने काढ़ा बनाया था उसके लिए मैंने तोड़ी थी, आप भी ऐसे ही कामों के तोड़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल आता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। गिलोई के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको बहुत ही गहराई में जानना हो तो आप बाबा रामदेव के चैनल में जाके जान सकते हैं। उन्होंने बहुत ही गहराई से, ऐसा लगता है कि अध्ययन करके बना, गिलोई के बहुत सारे गुणों को बताया है। देखिए, गिलोई जो है इसका साइंटिफिक नेम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, मतलब कि दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उनका रस चूसता है ये और अपना जीवन जीता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पेड़ों पे लगा हो तो उसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ स्टेम होती है, सिर्फ तना होता है। पर जो आप इसको घरों में उगाएंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें अच्छी खासी पत्तियाँ निकलती हैं। उन पत्तियों से भी आप काढ़ा बना सकते हैं। गिलोई के हर चीज़ का उपयोग किया जा सकता है काढ़ा बनाने में, उसकी पत्तियाँ, उसका तना, हर चीज़। गिलोई के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपके जो ब्लड होती है वो प्योरीफाई होता है और जो आपके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी ये निकालता है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस लेने की, बहुत चिंता करने की आदत है तो आप गिलोई का सेवन अवश्य करें। इससे आपका जो स्ट्रेस लेने की आदत है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और आपका मन शांत फील करेगा। अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो भी आप गिलोई का उपयोग कर सकते हैं। अर्थराइटिस, जैसे कि गठिया, उसमें भी आप गिलोई का उपयोग कर सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गिलोई की जो स्टेम है उनका पाउडर लें और गर्म दूध में उसको उबालें और उसका सेवन करें। ज़्यादातर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ केसेस में इनके साइड इफ़ेक्ट भी निकल के आए हैं। कुछ लोगों में कुछ हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट निकल आते हैं, वैसे कुछ में साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल, जिनको डायबिटीज़ है वो अपना ध्यान रखें कि जब भी गिलोई का सेवन करें तो अपना ब्लड शुगर लेवल समय समय पर जाँच करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपको जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो आपको उसकी जानकारी होगी और आप उसका सही से ट्रीटमेंट करा। देखिए, आपको गिलोई को उगाने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक गमले की आवश्यकता है, एक गिलोई की स्टेम की आवश्यकता है और मिट्टी की आवश्यकता है। ध्यान रहे इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें। मेरे वाले में आप देख सकेंगे क्योंकि पानी इकट्ठा है, क्योंकि बारिश का मौसम था और पानी गिरने में निकलने में टाइम लगता है, इस वजह से उसमें पानी जो है आपको दिख जाएगा। इसको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं फैलती हैं। जैसे आप देख, अगर आपको मेरी सारी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे उसको पूछें, मैं उसका बहुत जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। बाय बाय।